अभी हम राम सहाय उच्च विद्यालय में मौजूद हैं। काफ़ी खुशी की बात है कि राम सहाय उच्च विद्यालय को एनसीसी कैडर कोर की जो है वो सुविधा मिली है। इसको लेकर यहाँ के प्रभारी लगातार जो है वो प्रयासरत थे और अब सफलता मिल गई है। आज जो है वो बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एग्ज़ाम भी लिया गया है। आइए सबसे पहले हम यहाँ के प्रभारी से बातचीत करते हैं कि सर, सबसे पहले ये बताएंगे कि काफ़ी खुशी की बात है, इस इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस विद्यालय को जो है वो एनसीसी कैडर कोर की सुविधा मिली है। इसको लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, क्या कहेंगे आज बड़ी सफलता मिली है? हमारे विद्यालय का 75वां वर्ष हो रहा है और 75 वर्ष की उपलब्धि में मैं कोशिश में था 18 से लगातार, लेकिन जाके 24 में सफलता मिली। और बच्चों के लिए और शिक्षक की मेहनत बहुत ही साथ रहा और शिक्षिकाएँ भी हमको मदद की और विद्यालय चलाने में या सब जगह पर इन लोग काम देते हैं, बहुत सहभागी की तरह मदद करते हैं। और कोशिश मेरा शुरू से रहा है कि राम सहाय स्कूल एक प्राइवेट स्कूल की तरह रहे और आगे भी जो भी बन पड़ेगा मैं कोशिश करते रहूँगा। एक प्रभारी होने के नाते यहाँ के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनसे क्या सहयोग चाहिए? यहाँ के छात्र छात्राओं से आपको जो है वो क्या सहयोग चाहिए? वो लोग से सहयोग चाहिए कि बच्चे को बराबर पढ़ने के लिए भेजें और हमसे जो बन पड़ेगा वो जो उन लोग डिमांड करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं हैं वो मूलतः सब हम उपलब्ध कराएंगे और कोचिंग से बेहतर सुविधा हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए, राम सहाय उच्च विद्यालय जो है वो हर दिन कहीं ना कहीं नया जो है वो इतिहास रच रहा है। हमारे साथ एनसीसी के कुछ सदस्य भी हैं, थोड़ा इधर आ जाएंगे आप, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि आज जो है वो कितने बच्चों का जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने बच्चे जो है वो इम्तिहान दिए हैं और ख़ास करके जो है एनसीसी की जो ट्रेनिंग लेंगे यहाँ के छात्र या छात्रा, तो क्या फ़ायदा जो है भविष्य में उनको जो है वो मिलेगा? देखिए, आज यहाँ पर 82 बच्चे आए थे, भाग लिए थे। इसमें 82 का हमने फिजिकल ट्रेनिंग, मेडिकल और उनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ। इसके बाद में हमने उनका रिटेन लेकर के और इसका रिजल्ट अगले सप्ताह में आ जाएगा। रही बात एनसीसी से बच्चों को फ़ायदा का, तो एनसीसी से जहां तक है एक मतलब देश के भविष्य के लिए उज्जवल बच्चों का उत्थान किया जा रहा है। यहां से क्या है कि बच्चे देश के मतलब एकजुट होकर के देश के भविष्य के बारे में सोचेंगे। यहां स्कूल क्या होता है कि बच्चे को एक नया मोड़ दिया जाता है, यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा एनसीसी के बारे में, जिससे कि एनसीसी का इन्हें आप 2 साल का टर्नओवर है, 2 साल में इनको हम ए सर्टिफिकेट देंगे। और इसके लिए यहाँ क्लास चलेगी, परेड कराया जाएगा और मैप रीडिंग के बारे में सिखलाई दिया जाता है। अच्छा, परिजनों में जो है वो जिनके बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके अंदर एक संशय बनाया हुआ है, उनका कहना है कि क्या ये जो सारी ट्रेनिंग है वो यहीं राम सहाय उच्च विद्यालय में मिलेगा या फिर कहीं बाहर? ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है, इसके बाद में कैंप लगता है, तो कैंप का जगह नियुक्त होता है। जैसे हम OTA गया से आते हैं, वहाँ 27 बिहार बटालियन NCC है, ये गया ग्रुप के अंदर में आता है, तो वहाँ से PI आते हैं और 40 पीरियड का क्लास चलाते हैं, 40 दिन क्लास चलता है इसका। इसके बाद में एक कैंप लगता है, जो बच्चे कैंप करते हैं, कैंप करने के बाद में नेक्स्ट ईयर उनका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम लेने के बाद में जो बच्चे एग्ज़ाम पास करेंगे तो उनको ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या है कि इनको जैसे कोई प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए ये सर्टिफिकेट जिसके पास है 5 नंबर का उसको फ़ायदा होता है। और बाकी जैसे बी है फिर सी है, बी सर्टिफिकेट होने के बाद में 10 नंबर का फ़ायदा होगा और सी सर्टिफिकेट लेने के बाद में 15 नंबर का फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि 4 साल का समय लगेगा और बच्चों को अभी यहाँ हाई स्कूल से निकलने के बाद में कॉलेज में जाने के बाद में बी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद सी सर्टिफिकेट कॉलेज से ही मिल जाएगा उनका क्लियर होते होते हैं। एक चर्चा और था बच्चों में कि जो बच्चे आगे चलकर जो है वो देश की सेवा करना चाहते हैं, सेना बनना चाहते हैं, क्या वो एनसीसी की ट्रेनिंग सिर्फ वही लेंगे या फिर हर कोई बच्चा जो है वो ले सकता है? नहीं, कोई भी बच्चा ले सकता है। इससे कोई जो है कि एनसीसी लेने से वो बच्चा फौज में ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। गवर्नमेंट एनसीसी कैडेट के लिए बहुत सारे विभागों में छूट दे रखी है, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, बिहार सरकार अलग दे रही है, UP सरकार अलग दे रही है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में है। लेकिन NCC लेने से बच्चे के ऊपर क्या है कि हम NCC में बच्चों को डिसिप्लिन सिखा देते हैं, चलना फिरना, टर्नआउट, बात करने का तरीका, ड्रेस पहनने का तरीका,
रहने का तरीका। और एक स्टूडेंट के सबसे इम्पोर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं अनुशासन ही होता है। अनुशासन ही होता है, वो अनुशासन बच्चे को हम सिखलाई फर्स्ट पोर्टी अनुशासन सिखाते हैं। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए, ये राम सहाय उच्च विद्यालय में हम हैं और इसके इसको लेकर जो है वो यहाँ के शिक्षक और साथ ही प्रभारी जो हैं वो काफ़ी प्रयासरत थे, और जैसे ही ये बातें सामने आई इस इलाके में जो है वो काफ़ी खुशी का माहौल हुआ, लोग काफ़ी खुश थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मुझे जानकारी हुई तो मैं भी इस विद्यालय में आया और इसके बारे में जो है वो जानकारी लिया। बाकी यहाँ जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो एनसीसी जुड़ रहे हैं, उनके भविष्य का जो है वो उज्ज्वल की मैं कामना करता हूँ। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, कैसे